आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। झरिया चिल्ड्रन पार्क स्थित रामकृष्ण मंदिर से लगभग 120 साल पुरानी मां शीतला एवं कछुआ भगवान की मूर्ति चोरी। पुजारी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोर की शिनाख्त की जा रही है। वहीं मंदिर के पुजारी गोपाल पांडे के अनुसार सुबह 4:30 बजे पर जब वो मंदिर की सफाई कर रहे थे तो देखा कि कछुआ भगवान की मूर्ति गायब है। जैसे कि आगे बढ़कर देखा तो 125 साल पुरानी मां शीतला की मूर्ति जो कि मंदिर के स्वयं भूमि मूर्ति थी, वो भी गायब है। उन्होंने फौरन इसकी सूचना झरिया पुलिस को दे दी है। झरिया से मनोज साहू की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ पड़ेगा? सुबह जिस तरह मंदिर साफ सफाई के लिए हम सुबह में उठे ठीक 4:30 बजे, पट खोलने के बाद सफाई शुरू करना शुरू किए, वैसे ही पीछे गए तो कछुआ भगवान का मूर्ति गायब मिला। फिर आगे बढ़े तो माता शीतला की मूर्ति गायब, और ये रात में ही कभी हुआ है। ये देख करके हम लोगों भी काफ़ी आश्चर्य हुआ जिसने ऐसी बदमाशी की है। और माता शीतला की जो मूर्ति है कम से कम 125 साल पुरानी थी, और स्वयंभू मूर्ति यानी मंदिर का जब निर्माण हो रहा था वो इसी स्थल से निकला हुआ, काफ़ी प्राचीन मूर्ति। इसका आपकी जानकारी सुबह जब मंदिर खोले उसी समय पता चला? सुबह सुबह रोज हम लोग खोलते हैं मंदिर, अपना पट खोले, सफाई शुरू किए तो नजर आ गया। तो इसकी सूचना आपने झरिया थाने में किसी को दिया? जी हाँ। आपका परिचय दे दिए? मेरा नाम गोपाल पांडे है।